मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद तो दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ ना पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। बहस यदि खुद से करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यदि इंसान सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा दे सकती है। जो तुम्हारी बातें सुनते हुए इधर उधर देखे उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है, बल्कि वह असफल तब होता है जब वो ये सोच लेता है कि अब वो जीत नहीं सकता। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर तक रहती है। जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, जीतता वह है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख ऐ मेरे दोस्त अपना भी वक्त आएगा। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा ख़त्म, डॉक्टर कहे तो इंसान ख़त्म। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मज़ा आता है, ना कोई आगे चलता है और ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे और मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग भी खेल कर चले जाएं। जो आपकी खामोशी से आपकी तकलीफ का अंदाज़ा ना लगा सके, उसके सामने तकलीफ को जुबा से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। रफ्तार कुछ इस कदर तेज़ है ज़िंदगी की, सुबह का दर्द शाम को पुराना लगता है। ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौक़ों पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करे, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। खत जो लिखा मैंने वफादारी के पत्ते पर, डाकिया ही चल बसा शहर ढूंढते ढूंढते। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। और लास्ट वाला मेरी तरफ से, शरीर कभी भी पूरा पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी से पवित्र करने की सोचता है। मन आपका पवित्र हो सकता है, मगर अफसोस कोई इंसान इसकी परवाह तक नहीं करता।